बहुत आभारी हूं सम्माननीय सभापति महोदय। मैं छत्तीसगढ़ की चिंता और वहां की समस्या को रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। महोदय, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर संभाग है वो वनों से पर्वतों से आच्छादित है। वो वीर गुंडाधुर की धरती है जहां भूमकाल का उन्होंने विद्रोह की अंग्रेजों के विरोध में शुरुआत किया था, और वहीं धर्मात्मा राजा प्रवीण चंद भंजदेव ने अपनी आहुति दी थी। ऐसे उस बस्तर में आज ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में, केवल बस्तर में नहीं, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और वहां लहू तंत्र की शुरुआत हो रही है। और जिस प्रकार से वहां अभी विगत दिनों माननीय नड्डा जी के प्रवास के पहले 3 हत्याएं हुई और जैसे ही गए उसके बाद फिर 2 घंटे में हत्याएं हुई, ये इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। और माध्यम बना करके आज ये आवश्यकता है कि हमारा जो बुधुराम कटाम, नीलकंठ, आज हमारा सागर साहू जो अपनी आहुति दे दिया उस क्षेत्र के लिए, निष्पक्ष जांच की जाए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जाए। और जो नारायणपुर में रूप साय सलाम को जो अंदर किया गया है उनके साथ 25 लोगों को, उनको रिहा किया जाए, धर्मांतरण बंद की जाए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाए।